नमस्कार, आप दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। इसरो ने चांद पर चंद्रयान की लैंडिंग के दो दिन बाद जारी किया वीडियो, बताया चांद की सतह पर लैंडर विक्रम से किस तरह निकला रोवर प्रज्ञान। चांद पर जहां से गुजरेगा चंद्रयान 3 का रोवर, अशोक चक्र के साथ छोड़ेगा भारत की पहचान। सोशल मीडिया पर इसी तरह के प्रिंट की एक तस्वीर भी वायरल हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनान की राष्ट्रपति कैटरीना से कहा, चंद्रयान 3 की सफलता केवल भारत की ही नहीं बल्कि पूरी मानवता की जीत है। कहा, चंद्रयान 3 मिशन द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों को निष्कर्षों से पूरी वैज्ञानिक बिरादरी और मानव जाति को मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस में ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित, ट्वीट कर दिया, राष्ट्रपति कैटरीना एन सकेला रोपोलू, ग्रीस की सरकार और लोगों को धन्यवाद। कहा, यह ग्रीस के लोगों का भारत के प्रति सम्मान दर्शाता है। कारगिल में बोले राहुल गांधी, चीन ने हिंदुस्तान की जमीन ली है, लेकिन पीएम मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान की एक इंच जमीन किसी ने नहीं ली, ये झूठ है। लद्दाख का हर व्यक्ति जानता है कि पीएम मोदी सच नहीं बोल रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का पलटवार, राहुल गांधी ने फिर दिया अनर्गल बयान, वह आधारहीन बयान देने में माहिर हैं। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित की मुख्यमंत्री भगवंत मान को चेतावनी, राज्य में राष्ट्रपति शासन की कर सकते हैं सिफारिश, कहा मुख्यमंत्री मान पत्रों का जवाब दे। G20 सम्मेलन में भारत नहीं आएंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन, रूस यूक्रेन युद्ध के चलते फैसला, दिल्ली में 8 से 10 सितंबर के बीच होनी है समिट। शरद पवार ने रंकापा में फूट से इनकार किया, कहा अजीत पवार पार्टी के नेता बने रहेंगे, बोले कुछ नेताओं ने अलग राजनीतिक रुख अपनाकर रंकापा छोड़ दी, इसे पार्टी में फूट नहीं कहा जा सकता। महाराष्ट्र में शरद पवार को लेकर सियासी सरगर्मी तेज, अजीत पवार को नेता बताने के बयान पर लिया यू टर्न, कांग्रेस ने भ्रम नहीं फैलाने का लगाया आरोप। भगवान के साथ धोखा, आंध्र प्रदेश के श्री वराह लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर की दान पेटी में डाला 100 करोड़ का चेक, जब मंदिर के अधिकारियों ने बैंक को चेक भेजा तो पता चला कि भक्त के खाते में केवल 17 रुपए थे। मुंबई पुलिस को शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक विमान में बम होने की धमकी भरी कॉल मिली, बाद में पता चला कि महाराष्ट्र के सतारा जिले से एक 10 वर्षीय लड़के ने यह फर्जी कॉल की थी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर आरोप, अमेठी छोड़कर जब वो दक्षिण भारत गए तो वहां उन्होंने अमेठी की जनता, अमेठी का अपमान किया। टाटा संस के चेयरमैन चंद्रशेखरन ने G20 शिखर सम्मेलन में कहा, कृत्रिम मेधा यानी AI भारत में और अधिक नौकरियां पैदा करेगी, यह कम कौशल वाले या बिना कौशल वाले लोगों को उच्च स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए सशक्त बनाएगी। कहा, AI का प्रभाव अलग अलग बाजारों और समाजों के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न होगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती को 10 साल की वैधता वाला नियमित पासपोर्ट जारी किया गया। इल्तिजा ने जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में एक नई याचिका दायर कर किसी भी देश की यात्रा पर कोई रोक नहीं होने के साथ साथ उनके पासपोर्ट की अवधि बढ़ाने के लिए हस्तक्षेप को लेकर किया था आग्रह। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा ने मोदी को बनाया चेहरा, MP के मन में मोदी कैंपेन को किया लॉन्च। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला तेज, टिकट की तलाश में पार्टी बदलने के साथ रातों रात नेताओं का हो रहा हृदय परिवर्तन। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवारों की पहली बहस के बाद विवेक रामास्वामी की लोकप्रियता बढ़ी। ड्रीम गर्ल 2 फिल्म की स्टोरी और स्क्रीन प्ले है कमजोर कड़ी, निर्देशक राज शांडिल्या कुछ नया नहीं दे पाए, आयुष्मान खुराना ओवर एक्टिंग करते नजर आए, अब दुनिया ने दिए 1.5 स्टार। सनी देओल की गदर 2 की नए संसद भवन में होगी स्क्रीनिंग, 25 अगस्त से अगले 3 दिन तक चलेगी फिल्म की स्क्रीनिंग, बॉक्स ऑफिस पर कर चुके हैं 400 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन, अनिल शर्मा के निर्देशन में बनी है गदर 2। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन, और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें आप दुनिया पर।